नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जो है सेशन 2023-24 के लिए रिलायंस फाउंडेशन के तरफ से इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, यानी कि शुरू कर दिया गया है। यह बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल पूरे भारत से यहाँ पर जो है 5,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दिया जाता है, और यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप जो मिलता है वो जो है करीबन आपको 2,00,000 की छात्रवृत्ति पर स्टूडेंट को यहाँ पर मिलता है, जो भी स्टूडेंट इसके तहत सिलेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर जो है सभी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से यहाँ पर जो है आवेदन करना है, कौन कौन से कक्षा के स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे चयन होगा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो जो है सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो भी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाई करते हैं वे इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे जो है वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम में, और वहां पर आकर के आप लिख लीजिएगा rockstareducation.in, या इसका जो लिंक आपको टेलीग्राम या फिर आपको जो है यूट्यूब यानी कि मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप जो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देखिए आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगा। यहां पर देखिए ये जो स्कॉलरशिप चलाया जाता है वो धीरू भाई अंबानी के जो है यहां पर जयंती के अवसर पर जो है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यहां पर जो है चलाया जाता है, और ये स्कॉलरशिप का जो मालिक है वो श्री नीता अंबानी जी है, जो कि युवाओं को जो है हर साल यहां पर स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये स्कॉलरशिप 10 वर्षों से यहां पर जो है चल रहा है और 50,000 छात्रों को जो है यहां पर छात्रवृत्ति अभी तक मिल चुका है। यहां पर देखिए इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट कोई भी क्लास में अंडर ग्रेजुएट में जैसे कि आपका जो है यहां पर बीए हो गया या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर यहां पर बीसीए कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर में जो जो कोर्स आते हैं अगर आप उसके तहत यानी कि पढ़ाई करते हैं तो आप इसके लिए बेझिझक एलिजिबल हैं, आवेदन यहां पर कर सकते हैं, या बीकॉम कर रहे हैं तो यहां पर जो है आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। इसका आवेदन की तिथि बता देते हैं, इसका आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 15/10/2023 तक है, कि आप जो है 15/10/2023 के बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, फिर आप सभी को जो है एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद जो भी स्टूडेंट इसकी में जो है पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, उन्हीं सभी स्टूडेंट को यहां पर जो है 2,00,000 की छात्रवृत्ति दिया जाएगा, यानी कि वही सभी स्टूडेंट इसके लिए चयन किए जाएंगे। और यहां पर जो है वैसे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जो कि भारत के रहने वाले हैं, और वे जो है कक्षा 12th में करीबन जो है 60% मार्क्स के साथ अगर आपने पास आउट हुए हैं तो आप यहां पर जो है आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी पाठ्यक्रम में अगर आप एडमिशन लिए हुए हैं ग्रेजुएशन में और फर्स्ट ईयर के जो है यहाँ पर प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो है वार्षिक आय यहाँ पर 5,00,000 रुपया से जो है यहाँ पर कम होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, इस चीज को दर्शा दिया गया है। और यहाँ पर जो है कौन कौन से प्रॉफिट मिलेगा, इसमें जो है पूरे भारत के स्टूडेंट यहाँ पर जो है 5,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे और उसको 2,000 यानी कि 2,00,000 की स्कॉलरशिप यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी को लगेगा। और यहाँ पर जो आप सभी को डॉक्यूमेंट की बात करें तो 12th का मार्कशीट, आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एडमिशन फी रसीद, उसके रेसिडेंट यानी निवास प्रमाण पत्र है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ये कुछ यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट लगेगा। इसका जो सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम होगा, उसके बाद तब आप सभी का यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा, फिर अनाउंसमेंट होगा। तो जिसका जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वे सभी स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होंगे, उन सभी के अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। हालांकि बैंक अकाउंट नंबर आपका जो है यहाँ पर लगने वाला है, फोटो भी लगेगा। और उसके बाद जो आप आवेदन कैसे करेंगे, अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प वगैरह सबका जरूरी है तो यहाँ पर जो आपको हेल्प नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह सब भी देख सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन के लिए आप नीचे डाउनलोड करेंगे इस लिंक पर, यहाँ से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, जो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर जो सभी बातों को दिया गया है, देखिए इसमें बताया गया सत्र 2023-24 है ना, सभी चीज यहाँ पर बताया गया है। आप जो है यहाँ पर 15 अक्टूबर तक यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
हैं रिलायंस फाउंडेशन का स्कॉलरशिप है। 5,000 रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। ओपन अप्लीकेशन यहाँ पर बता दिया गया है। आवेदन करने के लिए आप जो यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बटन पर, सिंपली आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाता है, जहाँ से कि आप डायरेक्टली आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको जो है ये एक ऑप्शन देखने को इस प्रकार से मिल जाएगा अप्लाई का बटन। तो सिंपली आप जो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का बटन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जो आपको बिलो क्राइटेरिया जो पूछा रहा है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर मार्क लगाना है, सभी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन में जो आपको चेक बॉक्स में मार्क लगाते हुए कैप्चा कोड को उस बॉक्स में डालना है, सबमिट पर क्लिक करना है, फिर यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल में आएगा, उसके बाद जो है आप फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को आप सभी को अपलोड करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करके लॉगिन कीजिएगा, और यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आप सभी का एडमिट कार्ड जब आएगा तब आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, एग्जाम का खबर भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि मैंने जो भी जानकारी दी आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल लगा होगा। और एक चीज़ जाते जाते ये भी बता दें कि इसमें पीजी वाले के लिए भी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के लिए भी मिलता है, तो उसका जो अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे होगा तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर स्कॉलरशिप, तो अभी जो है अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए स्टार्ट हुआ, तो अंडर ग्रेजुएट वाले ही भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले अभी वेट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अपने दोस्त राहुल को दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन।